हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनाली शर्मा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मार्स कंसीलर पैलेट का रिव्यू। तो उससे मैंने ये लुक क्रिएट किया है, तो देखते हैं मैंने इसको कैसे यूज किया है। देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वाला पैलेट मार्स कवर रेंजर मैं यूज करने वाली हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं, एक तरफ आपको इसमें फाउंडेशन शेड और एक तरफ आपको करेक्ट वगैरह करना है तो वो शेड मिलती है। इस तरफ आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कंसीलर है वो आपके डार्क सर्कल को हाइड करेगा, और ये आप ग्रीन वाला देख सकते हैं जो आपको एक्ने मार्क्स वगैरह हैं तो उसको हाइड करेगा। येलो जो आपने ऑरेंज करेक्टर लगाया है ना, उसके बाद अगर आप इसको लगाओगे तो ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, ठीक। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पर्पल लेवेंडर कलर में है, ये अगर येलोनेस फेस पे है तो उसको हाइड करेगा। पीच अगर आप फेयर स्किन कलर में आते हैं तो आप अपने जो डार्क सर्कल है वो इससे हाइड करेंगे, ये कंटूरिंग के लिए। ओके, ये हमारा कवर हो गया। एंड देन आता है फिर ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं फाउंडेशन शेड है, कंसीलर शेड है, उसको मैच करके अगर आपको हाईलाइट करनी है, अपनी डार्क सर्कल फेस को कवर करना है, एक बेस अच्छा देना है, तो आप ये वाले कलर जो है वो यूज़ करोगे। अगर आपको इसमें अपना शेड नहीं मिलता तो आप मिस और मैच करके अपना शेड बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसको और इसको मिस मैच करके अपना शेड क्रिएट करती हूँ, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि इसको ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, काफ़ी क्रीमी है ये प्रोडक्ट। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो अच्छी तरह से पाउडर और सनस्क्रीन स्किन केयर अपना कर लीजिए, ताकि ये ऑल डे आपका चल सके, वरना ये पूरा बह जाएगा। अब बात आती है नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन इसको कर सकती है यूज़, हाँ इसको वो यूज़ कर सकते हैं, बट पाउडर से अच्छे से अपना सेट फेस कर लीजिए। अब आती है ड्राई स्किन वाले यूज़, डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो, फिर भी आप ड्राई स्किन है फिर भी आप इसको पाउडर से सेट करना, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है, आप बाहर जाते हो पसीना आ ही जाता है, और ये ऐसे अपनी जगह से बहता नहीं है, बट अगर आपको ऐसे पसीना पड़ा तो ऐसे लाइन ना हो जाए, तो आप पाउडर से सेट करिएगा तो ऐसा नहीं होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं मैंने इससे कैसा लुक तैयार किया। आई होप आपके सब क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व कर दिए होंगे, अगर कुछ भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी क्वेरी वहां पे सॉल्व कर दूंगी। ओके ओके, जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क सर्कल में विजिबल है अभी, तो हम तो यहाँ तो ये वाला शेड में यूज करूंगी, यहाँ तो मैं कोई डार्क कंसीलर यूज कर लूंगी। तो ना मैं आपको दोनों तरीकों से करके बता देती हूँ ना, अभी पहले मैं ऑरेंज ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये ना क्रीम प्रोडक्ट है, तो आपको ना एक बार मेरे से ज्यादा नहीं ले लेना है, आप अगर पहली बार यूज कर रहे हो तो आप ना धीरे धीरे भी इसको, मतलब पहले थोड़ा सा लिया, अगर आपको लगा और रिक्वायरमेंट है तो फिर आपने दोबारा ले लेना है। ओके ओके, आप देख सकते हो ये जो स्पॉट है ना, मेरे को चिकन पॉक्स का भी, मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये रह गए हैं, ठीक है। तो मैं इनको भी ज्यादा हाइड नहीं करती हूँ, बट ये हाइड हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे ये थोड़ा सा ऐसे गड्ढा जैसा लगेगा ना आपको यहाँ पे, मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अभी लगाऊंगी ना तो वो इसके अंदर रह जाएगा, वो अजीब सा लगेगा। तो ना इधर मैं ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने वाली हूँ, अगर आप कहीं पार्टी पे जा रहे हो, अगर आपको अपने कंसीलर जो है वो मतलब चाहिए कि दिखना नहीं चाहिए, तब तो आप यहाँ अब तक लगा लो, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऐसे ही जा रहे हो, मतलब आउटिंग पे जा रहे हो, मॉल तक जा रहे हो, तो फिर आप थोड़े से विजिबल भी होंगे तो नेचुरल लगता है, तो ठीक है। मैं ज़्यादा इसको यू नो नेचुरल वे में ज़्यादा हाइड नहीं करके जाती हूँ, और मैं यही वाला पैलेट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर मैं कहीं लेट हो रही हूँ ना तो मैं फटाफट से ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप देख सकते हैं सारे शेड हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। पहले हम एक साइड करेंगे फिर दूसरी साइड पे करेंगे। ओके, ये हो गया। देन आप देख सकते हैं अगर आपको लिप्स के अराउंड, माउथ के अराउंड लग रहा है तो फिर वहां पे भी आप लगा लें। ठीक है, तो ये जो है ना, इनको भी आप ये ग्रीन यूज कर सकते हो, ठीक है ना, और ये येलोनेस घटाने के लिए, और ये पीच कलर जो फेयर लोग होते हैं ना
अगर उनको हाइड करें डार्क सर्कल तो वो वाला यूज कर सकते हैं। ओके तो मैं अभी क्या करूँगी, आप इनको मिक्स मैच भी कर सकते हो। ठीक है तो मैं अभी यहाँ पे हल्का सा ग्रीन ले लेती हूँ। ठीक है मुझे ये ज़्यादा हाइड नहीं करने, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये विजिबल होते हैं मेरे फेस पे तो आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मेरे फेस पे ये कोई मार्क्स थे नहीं, ये अभी चिकन पॉक्स हुआ है ना उस वजह से हैं, और ये धीरे धीरे चले जाएंगे तो मुझे ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इनसे। ओके तो आप ऐसे कर सकते हो और आपको विजिबल होते हैं, आप थोड़ा सा इसको ना बढ़ा सकते हो, तो मुझे दिक्कत नहीं है ज़्यादा इनसे लगती, तो मैं इनको हल्का सा बस करके बता रही हूँ आपको कि आपको इसका मतलब यू नो यूज समझ आ जाए, ये ना बाद में एक्ने जैसे दिखने लग जाते हैं, मैंने ऐसे पढ़ा था। हाँ ये वैसे ही देख सकते हैं, वैसे यू नो ऐसे स्पॉट बन जाता है, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके अभी आप ये येल्लो वाला देख रहे हैं ना, तो इसको अगर मैं आइस पे लगाऊंगी ना तो ये कैंसिल आउट कर देगा सारी ऑरेंजिश जो होगी है ना हमारी टोन उसको, और स्किन को ब्राइटर दिखाएगा। ठीक है आप देख सकते हैं काफी डिफरेंस है, अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा और विजिबल हो रही है मेरे डार्क सर्कल तो ये हाइड हो जाएंगे। अभी मैंने ये येलो ही लगाया सिर्फ, इसके ऊपर अभी हल्का सा कंसीलर जाएगा तो फिर ये एवन हो जाएगा सारा, बट आप देख सकते हैं काफी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये सब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना एक लेयर जैसी दिख रही है, क्योंकि अभी जब ये पूरे फेस पे लगेगा तो एवन हो जाएगा। ओके अगर आपने फॉर्म मतलब पूरे फेस पे नहीं करना है तो अब आपने कुछ नहीं करना, आपने ये लगा लिया सब हाइड कर लीजिए, और ये कॉम्पैक्ट पाउडर लीजिए और उसको यू नो पाउडर से सेट कर लीजिए, उसके बाद आप गुड टू गो है जाने के लिए। ओके तो मैं अभी आपको यहाँ पे फाउंडेशन मतलब करके भी बताऊंगी इससे, तो इसीलिए अब ये दिख रहा है तो कोई बात नहीं। ओके अभी मुझे लग रहा है कि हल्का सा और होना चाहिए तो मैं इसको कर रही हूँ बस। ओके आपको ऐसे टैप टैप करना है, ऐसे घिसने देना है। ओके आप फैलाने के लिए एक बार ऐसे ऐसे कर सकते हो, बट आपको ऐसी मोशन में करना है। ओके अगर आप फिंगर से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ब्रश भी ले सकते हो, इसको ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं बोलूंगी आप ब्रश पे नहीं करना चाहती हूँ तो मत कीजिए, फिंगर से भी अच्छी तरह से हो जाता है। ओके अब देखिए और इसमें और इसमें काफी डिफरेंस नजर आ रहा है, तो ओके ये हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम फाउंडेशन शेड मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ से कोई शेड ले लेंगे जो मेरी स्किन को मैच करे, अगर नहीं करते आपकी स्किन को कोई मैच तो आप यहाँ ये वाला शेड और ये वाला शेड थोड़ा सा मिसमैच करके अपना शेड बना सकते हो, तो ओके मैं वैसा ही करने वाली हूँ। ओके मैं हल्का सा ये ओके अब मैं क्या करी, अभी मैं यहाँ नीचे लगा रही हूँ, ज्यादा ऊपर नहीं जा रही हूँ ताकि मैं इसको ऊपर तक ब्लेंड कर दूँ। आपको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके ये ब्लेंड करना है। ओके ओके तो मैंने ऑफ कैमरा ये ब्लेंड कर लिया था। ओके तो मैंने ना ये ब्रश से ब्लेंड किया है बाकी, ठीक है आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ब्लेंड हो गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं डार्क सर्कल विजिबल हो रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से कवर हो गए, यहाँ मैंने किया नहीं क्योंकि इसमें अभी ये प्रोडक्ट ऐसे जाने नहीं देना ना, इसीलिए इसमें भी प्रोडक्ट जाने नहीं देना ना, इसीलिए मैंने ये कवर नहीं किया। ओके अब बात करते हैं इस वाले आईज की, तो मैं जो यूज करने वाली हूँ यहाँ पे वो मैं थोड़ा सा डार्क कंसीलर यूज करती हूँ इस वाली साइड के लिए।
अभी यहाँ पे भी A1 होने लग गया है। ओके, फिर मैं इसके लिए थोड़ा सा लाइट वाला कंसीलर जो है वो यूज करूंगी। ओके, मैं इसको इसके यहाँ पे टॉप पे नहीं लगा दूंगी, एकदम थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करूंगी ताकि वो इकट्ठा ना हो जाए प्रोडक्ट और बुरा ना लगे। ओके, और यहाँ के लिए तो मैं ऑरेंज ही प्रेफर करूंगी। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ओके, मैंने यहाँ थोड़ा सा प्रोडक्ट ज्यादा ले लिया तो मैं इसको थोड़ा और ब्लेंड करूंगी। हो गया, और उसके बाद थोड़ा मिक्स और मैच करके थोड़े थोड़े शेड लगा दूंगी। ओके, और थोड़ा सा शेड इसमें थोड़ा ऑरेंज मिक्स हो गया इसलिए थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, बट हो जाएगा अभी मैं ब्लेंड करूंगी तो। डैब डैब के मोशन में आपको करते जाना है। ओके, सब हो गया, आप देख सकते हैं डार्क सर्कल मेरे हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा सेट करूंगी। मेरी जो स्किन है वो नो डाउट ड्राई है, बट इसको सेट करना जरूरी है, आजकल गर्मियों में भी तो बह जाता है, ये क्रीम प्रोडक्ट है। ओके, ऑयली स्किन वालों को इतना प्रेफर नहीं करूंगी, बट फिर आपको इसको सेट करना पड़ेगा अच्छे से, ये नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है। ओके, मैंने इसमें अपना नेक कवर नहीं किया है, ठीक है, गर्मियों में मैं ऐसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आईज और उसमें ही करती हूँ, गर्मियों में इतना मेकअप करने का वो भी नहीं होता है, तो हल्का हल्का से किया एंड दैट्स इट। ओके, अगर आप कहीं जा रही हो शादी पे तो आप नेक पे भी कर लो। ओके, नेक पे मैं सिर्फ पाउडर लगा रही हूँ। एंड हो गया। ओके, उसके बाद आप एक अच्छी सी लिपस्टिक, आई शेडो और ब्लश एंड दैट्स इट, आपका मेकअप जो है वो तैयार हो गया है। ओके, एक चीज वो और रहती है इसमें, कई लोग कंटोरिंग करना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, मैं इन जनरल ज्यादा पसंद नहीं करती कंटोरिंग वगैरह, मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बट आप कर सकते हैं, आप इस शेड को ऐसे लें एंड मैं हल्का सा इधर, ओह सॉरी गलत शेड ले लिया, करेक्ट शेड, मैंने ये पैलेट थोड़ा उल्टा पकड़ लिया था, हल्का सा इधर एंड ऐसे देन ऐसे। ओके, एंड देन ब्लेंड 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 ब्लेंड। मैं कंट्रोलिंग करना डेली उसमें पसंद नहीं करती हूँ। ओके, यहाँ पे ही रह गया हल्का सा, इसको भी अच्छे से कर देंगे। हमारा पूरा लुक तैयार, अब मैं जल्दी से आई शेडो, लिपस्टिक और आईब्रो बना के आती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। ओके, मैं अब पूरा मेकअप की है तो ये भी कर ही लेती हूँ, अच्छी सी लिप लाइनर से। करने वाली हूँ ये लॉरियल की, ये बहुत ही ज्यादा मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, आप देख सकते हैं लिपस्टिक लगाने से क्या लुक एक चेंज हो जाता है बिल्कुल ज्यादा। ओके, उल्टी पगली थी। ओके, ये वाला मैं शेड इस पे लगाने वाली हूँ अपने लिप्स पे। प्रोडक्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको कुछ परचेज करना है तो आप कर सकते हैं। शेड देखो यार कितना प्रीटी शेड है ये।
अच्छा लग रहा था, ये बहुत ही ज्यादा सही शेड है मुझे ना, बहुत ही ज्यादा ये पसंद है। लिंक डाल दूंगी ये वाला, तो मतलब डेली आप पहनना चाहते हो ना, आपके पास कोई शेड नहीं है, ये शेड सबके ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ओके अब हम क्या करते हैं, तो कई बार मैं ऐसा करती हूँ ना, ये थोड़ा सा आया तो मैं एज अ ब्लश, कई बार मेरे को जल्दी नहीं जाना होता है तो मैं इसको ऐसे यूज कर लेती हूँ। क्या आप भी कई बार ऐसा करते हैं? ओके अगर आपको लग रहा है एक्सेस लग गई है तो वो भी ऐसे ठीक हो जाती है और ऐसे पैची पैची सा निकल, और आपने ऐसे रगड़ के नहीं निकाल देनी, ऐसे डैब डैब करके अगर कुछ आता है तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे मस्त सा हो गया है। ओके हमारा ब्लश भी लग गया, चाहिए तो यहाँ से हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। ऐसे मैं हल्का सा लूंगी एंड मैं नोज पे, ये स्विस ब्यूटी का है। ओके एंड ऐसे अगर मुझे चाहिए तो ज़रा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं, सॉरी चाहती हूँ मैं, यार मैं गर्मी का कभी चाहता बोल देता हूँ, आप भी ऐसा करते हैं क्या? ओके ऐसे हल्का सा मुझे लगता है मुझे लगाना है, और इसी वाले को मैं इनर कॉर्नर में भी एज अ हाईलाइट यूज कर लूंगी है। ओके तो आप देख सकते हैं जब आप इस पैलेट को यूज करोगे ना, तो आपको लगेगा कि अगर आपको लगता है थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट लगना शुरू हो गया तो ये बैलेंस होगा धीरे धीरे धीरे, आप जब मेकअप कर बैठोगे ना उस पर थोड़ा सा सेटल होने में टाइम देना, या ऐसा मत लगना कि ऐसे गोरा सा यू नो चेहरा लग रहा है, ये बाद में सब सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है ये हो गया, अब हम आई शेडो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो इसमें शिमर वाली शेड भी बहुत ज्यादा है और ये वाली शेड भी है, ठीक है आप चाहो तो सिंपल सा रख सकते हो। अब मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं अभी करने वाली हूँ क्योंकि हमारा ये मेन मार्स पैलेट का रिव्यू था, तो मैंने लिया ये वाला शेड एंड ऐसे ऐसे ओनली ऐसे ऐसे और इसको लगा दिया बस, लिया इसको इस वाली आई इस पे एंड देन ब्लेंड 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 अच्छी तरह से डैब 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 डैब। ओके इसको बस प्लेस करना है मुझे। शिमर वाले आई शेडो की यही खास बात होती है कि आपको अगर नहीं आता आई शेडो लगाना, आप हल्का से यही कर लो यार, बहुत अच्छा लगने वाला है लोग, ठीक है। एंड इसको करेंगे हम बंद, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत अच्छा पैलेट है ये, अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा है। ओके जो मैं आईब्रो के लिए यूज़ करती हूँ ना, वो मैं करती हूँ माय ग्लैम का, ठीक है इसका लिंक अगर मुझे मिलेगा आपको मैं डाल दूंगी। मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये मेरा फेवरेट फेवरेट है। और ऐसे मैं फील कर लेती हूँ बस, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा ही मैं लगाती हूँ, और एक बार इस बूली के साथ ऐसे इवन आउट कर लेती हूँ इसको एंड दैट्स इट। ये था मेरा आज का लुक, मैंने जो बेस में यूज़ किया है इससे मैंने अपना बेस जो है वो क्रिएट किया है। पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें आपको यू नो एक साइड कंसीलर एक साइड फाउंडेशन आप मिक्स मैच करके लगा सकते हो, कलर करेक्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो ये ना बेस्ट बेस्ट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेके आऊँगी आपके लिए क्योंकि अब नया लॉन्च भी हो चुका है मार्स का, तो हम जल्द उसके साथ भी मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, टिल देन बाय।